मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापम घोटाले पर चर्चा होगी। विपक्ष की मांग पर प्रश्नकाल स्थगित कर दी गई है। फिलहाल इस बात पर हंगामा हो रहा है कि किस नियम के तहत ये चर्चा की जाए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापम घोटाले को लेकर चर्चा तो होगी, लेकिन किस नियम के तहत चर्चा की जाए, अब इस पर विवाद है। व्यापम घोटाला जिसको लेकर जो भी खुलासे हो रहे हैं वो लगातार हम आपको एबीपी न्यूज पर दिखाते रहे हैं। मामला लगातार गर्माता रहा है। शिवराज सिंह चौहान सरकार कटघरे में, कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रहा है कांग्रेस पार्टी कर रही है, और साथ में आरोप भी नए नए लगाए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से। एबीपी न्यूज संवाददाता ब्रजेश राजपूत जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, क्या कुछ हो रहा है विधानसभा में? देखिए, विधानसभा का बजट सत्र है और कल बजट पेश किया गया था। कायदे से आज चर्चा होनी थी बजट पे, मगर कांग्रेस के विधायकों ने तैयारी कर रखी थी कि ज्यादा से ज्यादा स्थगन प्रस्ताव लगा के इस पूरे मामले की चर्चा करवाई जाए। थोड़ी देर की वाद विवाद के बाद जो आसंदी है, विधानसभा अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और फिलहाल थोड़े बहुत हल्ला हंगामे के बाद अब स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने भी कहा है सदन में कि जो भी विपक्ष के सारे सवाल है उन सबका जवाब दिया जाएगा और व्यापम मामले को लेकर जितने भी कांग्रेस ने सवाल लगाए हैं उन सारे सवालों को लेकर उस पर स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा अब देखना है कि चर्चा कब तक चलती है, मगर कांग्रेस के लोगों ने काफी तैयारी कर रखी है और उनका कहना है कि इस पूरे मामले में लंबी चर्चा करवाई जाए, मगर जो अध्यक्ष है उनका कहना है कि नहीं, एक समय सीमा तय की जाए जिसके तहत चर्चा हो, इसका कुछ निष्कर्ष निकले, मगर फिलहाल कांग्रेस इस मामले को ज्यादा से ज्यादा खींचने के अंदाज में लंबी चर्चा चाह रही है। फिलहाल अब चर्चा शुरू हो गई है। जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने हंगामा किया है और व्यापम घोटाले पर चर्चा की मांग की है। अब चर्चा तो की जाएगी, यह तय हो गया है, लेकिन किस नियम के तहत, इस पर फैसला अब तक नहीं लिया जा सका है मध्य प्रदेश विधानसभा में व्यापम घोटाले को लेकर।